हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने खुद के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय ही पीसर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर, समसामयिकों को लेकर। हर वीकली एक वीडियो अपलोड की जाती है करंट अफेयर्स को लेकर, तो आज मैं इसमें इस वीडियो में लेके आया हूं करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक के क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, वो सारे के सारे आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसको लेकर। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक समसामयिकी, दिसंबर सेकेंड वीक के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है वो है नेपाल की तेज बाउलर जिसका नाम है अंजलि चंद। अभी हाल ही में उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच के अंदर। उन्होंने जो है 6 विकेट लिए हैं 2.1 ओवर में। तो देखिएगा, यहां पे नाम है अंजलि चंद। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अंजलि चंद जो कहां की है, नेपाल की, और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में। T20 में इन्होंने 6 विकेट लिए हैं कंटिन्यू, कितने ओवर में, 2.1 ओवर के अंदर। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री है नेपाल के लिए और वुमेन क्रिकेट के अंदर। तो ये नाम आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए, अंजलि चंद नेपाल से। 2.1 ओवर के अंदर जो है इन्होंने 13 बॉल के अंदर 6 विकेट जो है विकेट्स इन्होंने गेन किए हैं, चटकाए हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, फेडरल बैंक है, जैसे यूएसए का फेडरल बैंक है, तो इसी तरीके से आरबीआई की एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल एक एजेंसी है जो आरबीआई से रिलेटेड है। अभी इसने भारत की जो विकास दर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कुछ कमी होने का अंदेशा जताया है। जीडीपी रेट इन्होंने कहा है कि 2019 में, इस साल में जो रहेगी वो 5.1 रहेगी। पहले ये 6.3% थी, अब क्रिसिल ने कहा है कि 5.1 रहेगी विकास दर, ग्रोथ जो है जीडीपी है, और पहले इसने अनुमान लगाया था कि ये विकास दर 6.3% रहेगी। क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, और जो तीसरा प्रश्न है वो है कि अभी हाल ही में स्वीडन जो है उसके राजा, स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ, मैं लिख रहा हूं इनका नाम, कार्ल गुस्ताफ, ये स्वीडन के किंग है जो अभी 5 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं। पांच दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, भारत यात्रा पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां के किंग है, ये किंग है स्वीडन के, स्वीडन की बात कर रहा हूं मैं। स्वीडन जिसकी राजधानी जो है वो हेलसिंकी है, हेलसिंकी ध्यान रखिएगा, इसकी जो है स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और इसका जो है स्वीडन, जब भी हम स्वीडन की बात करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्वीडन अकेडमी, जो स्वीडिश अकेडमी है, वो ही नोबेल पुरस्कार देती है। और अभी बीते दिनों 10 दिसंबर गया है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं स्वीडिश अकेडमी द्वारा, और ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अभी हमारी संसद का शीतकालीन सत्र चला हुआ है, तो शीतकालीन सत्र में मैं आगे भी बताऊंगा नागरिकता को लेके भी एक बिल पास हुआ है, लेकिन उससे पहले अभी राज्यसभा ने, जो राज्यसभा है
उसने क्या किया है, ई सिगरेट, जो ई सिगरेट है इस पर बैन करने के लिए बिल पास कर दिया है। लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, अभी राज्यसभा ने भी इसको क्या कर दिया है, पास कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ई सिगरेट। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है एक फुटबॉलर है बार्सिलोना के, बार्सिलोना के फुटबॉल है लियोने मेसी, उनको छठी बार बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे बात कर रहे हैं लियोने मेसी की, लियोने मेसी, लियोने मेसी को सिक्स टाइम्स, छठी बार जो है बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फुटबॉलर, बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड लियोने मेसी को दिया गया है। और ये लियोने मेसी है ये कहां के हैं, ये बार्सिलोना के, बार्सिलोना। और जो ये अवार्ड है ना बेस्ट फुटबॉल अवार्ड, इसको एक नाम दिया गया है बेनिन डी ओर, क्या कहा गया है इस अवार्ड को, बेनिन डी ओर, ये इस अवार्ड का नाम है बेनिन डी अवार्ड। तो बार्सिलोना के फुटबॉलर लियोने मेसी हैज बिकम अ वर्ल्ड टाइकून बाय गेटिंग द सिक्स टाइम बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड। तो इस साल भी इनको ये अवार्ड दिया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी तक देखिएगा मैंने पांच क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीक के, अब हम अपने छठे क्वेश्चन पे आते हैं। और छठा जो प्रश्न है वो क्या है, सिक्स प्रेजेंट पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको लेके है, अभी एक कमूरी साइक्लोन की बात कर रहा हूं मैं, कमूरी, कमूरी ये चक्रवात है, चक्रवात अभी ये आया हुआ है, अभी आया था इस वीक, और इसने काफी जो है तबाही की है, कहां पर की है, तो फिलीपींस, 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 ये एशिया का देश है एक फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है, और यहां पर कमूरी नामक जो है चक्रवात आया हुआ है। तो देखिएगा अगर हम साइक्लोन की बात करते हैं तो मियरली साइक्लोन इज नोन एज, उसी को ही हम कहते हैं चक्रवात। लेकिन आपको पता है ज्योग्राफी में आपने जरूर सुना होगा महासागर ज्योग्राफिकली लोकेशन के आधार पर जो है साइक्लोन्स के नाम रखे गए हैं। जैसे जो अटलांटिक ओशन में चक्रवात आते हैं उनको नाम दिया गया है हरिकेन, टॉर्नेडो। जो पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में आते हैं उनको नाम दिया गया है टाइफून। इसके अलावा जो हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं उनको कहा जाता है मियरली साइक्लोन। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चक्रवात आते हैं उनको नाम दिया जाता है वीली वीली। तो ज्योग्राफिकली लोकेशन के आधार पर चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कमूरी चक्रवात। प्रश्न हो सकता है कमूरी चक्रवात हाल ही में किस देश में आया है, किस देश को प्रभावित किया है, तो फिलीपींस। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सातवां प्रश्न हम लेके आए हैं और ये बहुत ही चर्चा में है, ये पद है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके नए अध्यक्ष बना दी गई हैं, कौन है, तो सुमा राय बर्मन। देखिएगा सुमा राय बर्मन, सुमा राय बर्मन, बर्मन ये भारत के नए कैग के रूप में इन्होंने अपॉइंटमेंट ली है। कैग इट मींस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का विवरण है। देखिएगा इससे पहले राजीव महर्षि थे, राजीव महर्षि से पहले कैग जो थे वो शशिकांत शर्मा थे, और शशिकांत शर्मा से पहले एक नाम आपने जरूर सुना होगा विनोद राय, जो बहुत ही फेमस रहे थे, बहुत से स्कैम्स उनके माध्यम से सामने आए थे। तो ये अभी नए कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो संविधान के अनुच्छेद 148 में है। देखिएगा कैग को एक नाम दिया गया है द प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक पॉकेट, लोगों की जनता की जेब का संरक्षक इसको कहा जाता है। ठीक है अब हम बात कर रहे हैं अपने आठवें क्वेश्चन पर, और एक क्वेश्चन है वो है भारतीय मूल के एक व्यक्ति, आपने नाम जरूर सुना होगा
सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ये भारतीय मूल के जो है हैं, और इन्होंने अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके हैं, गूगल के, जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, तो गूगल की ही एक मूल कंपनी है और इस मूल कंपनी का नाम है अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कंपनी का भी सीईओ बनाया गया है किसको, सुंदर पिचाई को। ध्यान रखना ये कंपनी गूगल की मूल कंपनी है और इसके सीईओ के रूप में सुंदर पिचाई को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम आते हैं अपने नवे क्वेश्चन पर और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन है उसका नाम है COP25। इसका आयोजन देखिएगा, नाइन्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो COP25 क्या है, तो ये यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, परिवर्तन सम्मेलन है। इसका आयोजन कहां किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है कहां पर, मैड्रिड में, मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है, यहां पर COP25 का आयोजन किया गया है। देखिएगा जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा है उसको ध्यान में रखते हुए ये समिट हुई है, तो स्पेन के अंदर हुई है, मैड्रिड शहर में हुई है जो कैपिटल है स्पेन की। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज को लेके पहली बार एक सम्मेलन हुआ था जापान के शहर क्योटो में और इसको नाम दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। इसके तहत दुनिया के सभी देश मिलकर, दुनिया चिंतित है, ये दर्शाती है कि क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं बिकॉज पृथ्वी का जो तापमान है वो इंक्रीज हो रहा है, CO2 का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज वगैरह से। तो इसको लेकर मैं आपको बता देता हूं, एक ऐतिहासिक संधि हुई थी पेरिस संधि, और पेरिस संधि को रेटिफाई करने वाला पहला देश भारत था, लेकिन फिलहाल इस संधि को बड़ा झटका लगा है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम पेरिस संधि से बाहर हो रहे हैं, इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर यह सम्मेलन है जिसका आयोजन मैड्रिड में हुआ है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं महाअभियोग की, इंपीचमेंट की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इंपीचमेंट, महाअभियोग को लेकर वहां की जो सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। देखिएगा अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस और उसके दो सदन है, एक सीनेट है, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट इज द अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस, फॉर एग्जाम्पल हमारा राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिएगा दसवें क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने क्या दे दी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाअभियोग को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने इस वीक के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 10 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये है 11वां क्वेश्चन। अगर आपको ध्यान हो लास्ट ईयर 2018 के अंदर एक वायरस बॉर्न डिजीज जो है ब्रेकआउट हुई थी और इसको नाम दिया गया था निपाह। तो निपाह जो वायरस फैला हुआ था, ये डिजीज थी, तो इसको लेके एक नाम आता है लीनी पुथुसेरी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब ये क्या थी, ये एक नर्स थी
और जब निपाह वायरस फैला था केरल के अंदर पिछले साल, केरल में ध्यान कीजिएगा, केरल में एक निपाह वायरस बॉर्न डिजीज आई थी, तो वहां पर इन ये नर्स के रूप में थी, तो इन्होंने क्या किया था, लोगों की सेवा की थी, ट्रीटमेंट में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, तो इनको मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा मरणोपरांत का मतलब है पोस्थ्यूमसली, तो पोस्थ्यूमसली इनको एक अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड किसने दिया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको ये अवार्ड दिया है। तो ध्यान रखिएगा लीनी पुथुसेरी ये अभी चर्चा में रही हैं और उस समय भी थी, इन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए सेवा की थी। उसके बाद हम आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर और 12वां प्रश्न है वो एक एक्सरसाइज को लेके है और ये एक्सरसाइज है सिंधु सुदर्शन। देखिएगा सिंधु सुदर्शन ये एक क्या है, एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज जो है ये 4 महीने से चली हुई थी, 4 महीने से ये एक्सरसाइज चली हुई थी, अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है सिंधु सुदर्शन और इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया था, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था, 4 महीने से ये एक्सरसाइज चली थी। तो ध्यान रखना अगर प्रश्न आता है सिंधु सुदर्शन क्या है, तो दैट इज एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज थी जो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई थी और 4 महीनों से इसका आयोजन किया गया था, 4 महीने हो गए थे इसको चलते हुए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये हमारे पास 13वां प्रश्न। 13वां जो प्रश्न है वो एक भारतीय मूल के सिख पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम है संदीप सिंह धालीवाल। देखिएगा अभी क्या है कि इनके नाम पर अमेरिका का एक प्रांत है ह्यूस्टन, तो ह्यूस्टन के अंदर इनके नाम पर क्या किया गया, एक पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो मैं यहां पे नाम बता रहा हूं, भारतीय मूल के सिख इंस्पेक्टर थे और इनका नाम है संदीप सिंह धालीवाल। ठीक है, इनको इनके नाम पर अमेरिका का, यूएसए का एक प्रांत है ह्यूस्टन, तो वहां पर क्या किया गया है, पुलिस स्टेशन खोला गया है। ये सिख हैं, सिख समुदाय के हैं संदीप सिंह धालीवाल, ह्यूस्टन में इनके नाम पर एक पुलिस स्टेशन का आयोजन मतलब खोला गया है, सेटअप किया गया है पुलिस स्टेशन। और इनका जो है ड्यूटी के दौरान इसी साल 27 सितंबर को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इसलिए चर्चा में आए थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 13वां प्रश्न। अब हम आते अपने 14वें प्रश्न पर और 14वां जो प्रश्न है तो वो है कि देश के 15,579 जो पुलिस स्टेशन उनमें से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, उसमें एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है अबेदीन पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन का नाम है, तो इसको देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन थाने का जो है अवार्ड दिया गया है, इसे चुना गया है बेस्ट, कितने में से, 15,579 पुलिस स्टेशन में से अबेदीन थाना टॉप पर रहा है, बेस्ट पुलिस स्टेशन से इसको सम्मानित किया गया है, इसका नाम आया है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15वें प्रश्न पर और 15वां प्रश्न अभी बहुत ही चर्चा में है, मैं आपको बता देता हूं,
आज की ही मैं बात करता हूं तो आसाम में भी इसको लेके विरोध हुआ है। और ये क्या है, ये है अभी हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन बिल को बोलते हैं विधेयक को मंजूरी दे दी है 2019 को। तो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, जिसे आप कैप पढ़ रहे हो, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हमारी संसद ने अभी एक नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया है, जिसके तहत मैं कुछ देशों का नाम ले रहा हूं जहां पे अल्पसंख्यक लोगों को क्या दिया गया है, वहां के लोगों को, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और यहां तक मैं बात करता हूं पाकिस्तान, यहां रह रहे अल्पसंख्यक वर्ग, और ये अल्पसंख्यक कम्युनिटी कौन सी है, बौद्ध है, वहां के हिंदू है, वहां के जैन है, पारसी है, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है। अगर वो समुदाय भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप उनको दी जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, और इसको लेके हमारी संसद ने सबसे पहले एक बिल पास किया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें फिर संशोधन किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986, और इसके बाद वाजपेयी सरकार में फिर से अमेंडमेंट हुआ था इसमें, और वो था भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003, जिसके तहत कुछ एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड पीआईओ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के इन लोगों को नागरिकता दी गई थी, एनआरआई और पीआईओ को। और अभी हाल ही में ये हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 फिर से पास कर दिया है, और इसके तहत कुछ देशों में, मैंने अभी नाम लिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां के रह रहे अल्पसंख्यक जो हैं, हिंदू हैं, इसके अलावा मैं पारसियों की बात करता हूं, बुद्धिज्म की बात करता हूं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ध्यान में रखी जाके ये है, वो ये है कि मुस्लिम समुदाय जो अल्पसंख्यक के रूप में वहां है, इन देशों में मैंने जिक्र किया है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इससे खास ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अभी हाल ही में मैं नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन की बात करता हूं, तो उसमें केरल के अंदर करीबन 41 लाख, सॉरी आसाम के अंदर करीबन 41 लाख ऐसे हैं जिनका नेशनल सिटीजन रजिस्टर के अंदर क्या नहीं है, नाम नहीं है, तो उनको भी यहां पे जो है ध्यान में दिया जाएगा। तो ये था बिल जो बहुत ही चर्चा में अभी रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है 16वां क्वेश्चन यूएनडीपी को लेकर। यूएनडीपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें अगर मैं मानव विकास सूचकांक की बात करता हूं, मानव विकास सूचकांक मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 129वां रहा है, 129वां रहा है 189 देशों में। और इसमें बहुत सी चीजें जो है इंक्लूड की जाती है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, मोर्टलिटी रेट है, इसके अलावा लिटरेसी रेट है, इन सब को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी क्या करती है, मानव विकास सूचकांक इश्यू करती है। तो 189 देशों में भारत का 129वां स्थान है। आते हैं उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये है 17वां प्रश्न, एक नाम है जोजी बिनी टूंजी। देखिएगा यहां पर मिस यूनिवर्स को लेके मैं बात कर रहा हूं, जो जी बिनी नाम जरूर सुना होगा, हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई है, जो जी बिनी टूंजी, ये साउथ अफ्रीका की हैं, दक्षिण अफ्रीका की हैं।
हाल ही में चर्चा में ये रही है कि इनको 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इनको दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका की हैं, दक्षिणी अफ्रीका की हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां जो प्रश्न है वो हाल ही में किसको लेकर है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को लेकर है। देखिएगा, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं, राष्ट्रमंडल गेम होने हैं, राष्ट्रमंडल खेल होंगे। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बाहर कर दिया गया है क्या, शूटिंग को। जो शूटिंग है ना, शूटिंग उसको इस गेम से बाहर रखा है। शूटिंग का मतलब क्या है, निशानेबाजी। तो इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ 2022 में शूटिंग इवेंट को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19वां जो प्रश्न है वो है डोपिंग को लेकर, और वो है वाडा। देखिएगा, मैं बात करता हूं यहां पर 19वें प्रश्न पर। वाडा, जरूर आपने इसको सुना होगा। वाडा, वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा। अभी वाडा ने रूस के ऊपर बैन कर दिया है। वाडा ने रूस को जो है मादक पदार्थ, जो डोपिंग होता है ना, डोपिंग के तहत उनके उल्लंघन को लेके पाया गया है, इसलिए रूस के ऊपर वाडा ने बैन कर दिया है। इससे असर क्या पड़ेगा कि रूस, एक तो 2020 के अंदर टोक्यो में ओलंपिक गेम होंगे उसमें भाग नहीं ले पाएगा, एक विंटर गेम में भाग नहीं ले पाएगा, और 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देना, ओलंपिक गेम 2020 जो टोक्यो में होने हैं, इसके अलावा 2022 में वर्ल्ड कप होना है और विंटर गेम होने हैं, इनमें अब रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ऐसी घोषणा वाडा ने की है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, आप इसको समझिएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे यंगेस्ट युवा प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, और ये है सना मरीन। देखिएगा, सना मरीन, ठीक है, ये 34 वर्षीय है और ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये कहां की है, तो इसका देश है फिनलैंड। ये फिनलैंड की है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी। मैं बता देता हूं, फिनलैंड इसकी सबसे युवा और दुनिया की, विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मैरिन बनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पार्टी कौन सी है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कीर्तिमान बनाया है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड, इसको एक ज्योग्राफिकली नाम भी दिया जाता है, हजार झीलों का देश, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने 21वें प्रश्न पर, और 21वां जो प्रश्न है वो ये है कि अभी मैं इसरो की अगर बात करूं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो हाल ही में इसने एक रीसेट टू आर बी वन, ये क्या है, एक सैटेलाइट है, ये एक उपग्रह है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। रीसेट का मतलब है रडार इमेज, ये ध्यान रखिएगा, रडार इमेज सैटेलाइट,
और इससे अब क्या होगा, मैपिंग होगी। जैसे खास तौर से अगर हम अपनी सेनाओं की बात करते हैं, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, ऐसे अगर कहीं पे हम स्ट्राइक करते हैं तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये सैटेलाइट। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसरो ने रीसेट 2RB मतलब रडार इमेज सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है 22वां प्रश्न। क्या है 22वां प्रश्न, ये देखिएगा। 22वें प्रश्न में अभी साउथ एशियन गेम हुए हैं, साउथ एशियन गेम, और इन गेम के दौरान ये कहां हुए, नेपाल के पोखरा में हुए हैं। साउथ एशियन गेम इनका आयोजन हुआ है पोखरा, और ये कहां है, ये नेपाल में है, नेपाल। अभी ये गेम साउथ एशियन गेम, दक्षिणी एशियाई खेल जिसे हम बोलते हैं, इनका समापन हो चुका है, और यहां पर भारत ने अपना जो परफॉर्मेंस है वो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। भारत ने इसमें 312 मेडल जीते हैं, 312 मेडल अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें 174 गोल्ड मेडल है, 93 सिल्वर मेडल है और 45 कांस्य, इट मींस ब्रॉन्ज मेडल है। तो ध्यान दीजिएगा, 174 गोल्ड, 174 तो क्या है गोल्ड मेडल है, 93 सिल्वर मेडल है, और 45 जो है वो ब्रॉन्ज, जिसे हम कहते हैं कांस्य पदक, वो है। इसी के साथ भारत ने 312 मेडल दक्षिणी एशियाई खेलों में जीते हैं। मैं बात करूं 2016 की, जब 2016 में इन गेम का आयोजन हुआ था खेलों का, तो उस समय भारत ने 309 मेडल जीते थे, 309 मेडल, और अब कितने हो गए हैं, 312 मेडल, अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है 23वां प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर को अभी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसमें एक देश है इथोपिया, और इथोपिया के प्रधानमंत्री जो है अबी अहमद, ये ध्यान दीजिएगा, अबी अहमद ये कहां के हैं, ये इथोपिया के हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में, इथोपिया इसका प्राचीन जो नाम होता था उसे एबसीनिया बोलते थे, एबसीनिया का पठार आपने सुना होगा, इथोपिया का पठार आपने सुना होगा। तो इनके ये क्या है, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल पीस अवार्ड, नोबेल शांति पुरस्कार 2019। अब सवाल ये है कि ये अवार्ड इनको किस चीज के लिए दिया गया है, तो इसके जो पड़ोसी देश है ना, इरिटीरिया, ध्यान दीजिएगा, इरिटीरिया से इथोपिया के संबंध अच्छे नहीं थे, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी, तो यहां पर उन्होंने शांति व्यवस्था को बनाए रखा, इसलिए इनके इस योगदान के लिए अबी अहमद को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों मैं नोबेल के बारे में बता देता हूं आपको, नोबेल अवार्ड जो है ये स्वीडिश अकेडमी देती है, और वर्तमान में ये 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, शांति और इकोनॉमिक्स। जब 1901 के अंदर इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी तो ये केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स में भी ये अवार्ड देना शुरू किया गया था। 5 फील्ड के अंदर ध्यान देना, स्वीडिश अकेडमी अवार्ड देती है, लेकिन ध्यान एक चीज का जरूर रखना, अगर नोबेल पीस की बात आती है तो ये ओस्लो समिति देती है, नॉर्वे की ओस्लो समिति है वो इस अवार्ड को देती है, नोबेल पीस अवार्ड को। तो प्रिय दोस्तों, ये मैंने आपको 23 क्वेश्चंस कराए हैं जो दिसंबर 2nd वीक के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे दिसंबर 3rd वीक के, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेनिफिट भी होंगे, बेनिफिशियल होंगे, लाभदायक होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िएगा मन लगाकर और वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।